सरकार उस इस देश का, इस राज्य का मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, उसका बच्चा इसमें नहीं पढ़ता है। उस स्कूल का प्रिंसिपल का बच्चा उस स्कूल में नहीं पढ़ता। ये सरकारी स्कूल की हालत है। कमिश्नर का बच्चा उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। ये स्कूल की हालत। साथियों, हमें पता है कि अभी एक दिन पहले अमेरिका से वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ आए हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। तो आज दिल्ली सरकार के जो आम आदमी के तथाकथित रूप से जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, वो प्रचार करने वाले हैं अपनी शिक्षा प्रणाली का, अपने स्कूल्स में दिखा के कि किस तरीके से हैप्पीनेस करिकुलम वो चलाते हैं सरकारी स्कूलों में, कि लोग बच्चे अपने जीवन में खुश रहना सीखें, इस बात को सीखें कि आगे जो मुश्किलें आएंगी या अभी जो मुश्किलें हैं उनके होने के बावजूद भी खुश कैसे रह सकते हैं। उन्हें साथ ही साथ जिनको वो दौरा करा रहे हैं उन सरकारी स्कूलों का, उस हैप्पीनेस करिकुलम का, साथ ही साथ उन्हें एसएल का भी दौरा क्यों नहीं कराते, दिल्ली विश्वविद्यालय के एसएल का भी दौरा क्यों नहीं कराते। हैप्पीनेस करिकुलम इस दीवार का ये एक पहलू, और दूसरा पहलू कि आप जब एसएल में आएंगे तो उस हैप्पीनेस करिकुलम में जो भी आपने सीखा हो उससे आप ये सीख आगे ले जा सके कि ये भारी दुख, ये जो शिक्षा से मुक्त कराने वाला मुक्त शिक्षा विद्यालय, यहाँ आप दुखी ना हो आकर, यहाँ पर खुशी रहे, शिकायत तक ना करें कि 180 दिन की क्लासेस के सिलेबस के मुआवजे में आपको 11 से 12 से 13 क्लासेस देकर झाड़ू मारकर क्यों पढ़ा जाता है। कोई शिकायत ना करे। आज हम सब किराएदार हैं, इस देश में अपना कहने लायक कुछ बचा नहीं। किराए के संडास अगले जाएंगे, किराए की हमारी क्लासेस लगेंगी, किराए के कमरे में रहेंगे, किराए के हॉस्पिटल में इलाज होगा, और अभी यहाँ पे किराए पे बनेंगे, घर में प्रदर्शन करने जाएंगे तो किराए पे लिए हुए कुछ लोग हमें यहाँ से भगा देंगे। समाज के बेहतर वर्ग से आते उन्हें बिना मांगे वहाँ के छात्रों को और रूट एसी बस पास दिया जाता है, और जो हम एसएल के छात्र हैं हमें लड़ सकड़ कर कहीं सिंगल रूट बस पास दिया जाता है। क्या ये धोखा नहीं है आम छात्रों के साथ, उन्हीं गवर्नमेंट स्कूल के छात्रों के साथ जिनका ये प्रचार करते हैं पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कि हम इनकी बेहतरी करना चाहते हैं, इनका विकास करना चाहते हैं। वही छात्र जब एसएल में जाते हैं तो क्या उन्हें जरूरत नहीं है और रूट बस पास की। आपने इलेक्शन जीतने के लिए तो 3 महीने का प्रचार कर दिया कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री, सारी यात्रा फ्री। अब आने वाले समय में क्या आप सरकार में आ गए अब आप भूल जाएंगे कि आम आदमी के क्या मुद्दे, क्या जरूरतें हैं। तो हम अपना ये जो संघर्ष है, जब तक कम से कम हमारी कॉलेजेस में इवनिंग क्लासेस नहीं शुरू कर दी जाती, हमारी जो क्लासेस अभी घटी हुई है वो बढ़ा नहीं दी जाती, जब तक हमें ऑल रूट डीटीसी एसी बस पास नहीं मिलता, तब तक हम संघर्ष अपना जारी रखेंगे। बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे थे हमारे, ऑल रूट बस पास दिए तो पहला ही मुद्दा था, ये हमने खुद नहीं कहा था। इस बार जब चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में था ये, कि जैसे हमने महिलाओं के लिए बसों में फ्री पास दिया है ऐसे ही छात्रों के लिए भी फ्री पास देंगे। तो हम यहाँ बस पूछने आए थे इनसे कि क्या एसओएल के छात्र भी उन छात्रों में हैं जिनको आप फ्री पास देने वाले हैं, जिनका जवाब अभी तक मिला नहीं था। और जवाब लेने के लिए जाहिर सी बात है उन्होंने अपॉइंटमेंट देने की बात की है, तो जिस दिन अपॉइंटमेंट मिलेगा हमें हम उस दिन भी जाएंगे। हमारी दूसरी मांग थी कि बच्चों को जो आपने 2015 के चुनाव में वादे किए थे कि हम लोग 20 नए कॉलेज खोलेंगे, वो 20 नए कॉलेज अभी तक नहीं खुले। और उसी 2015 में सिसोदिया जी का ये बयान भी आया था, बकायदा फ्रंट लाइन की न्यूज बनी थी कि दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर जितने भी डीयू के कॉलेज आते हैं, करीब 28 कॉलेज, उसमें एसओएल के बच्चों के लिए इवनिंग शिफ्ट चलाएगी।
लेकिन अभी तक दोबारा उस पर कोई उनका कोई आश्वासन कोई ठोस आश्वासन नहीं आया। हमारी तीसरी मांग थी कि बच्चों के लिए लाइब्रेरी नहीं है, एसओए की लाइब्रेरी में जगह नहीं है, किताबें नहीं है, और जहां हमारा सेंटर होता है वहां लाइब्रेरी खोलने नहीं दी जाती। तो हम पढ़े तो पढ़े कहां और जाए तो जाए कहां, करे तो करे कहां। अब इसमें कोई क्या देवा सरकार का मांगते नहीं किसी से भीख मांगते।